नमस्ते दोस्तों, मैं हिमालयन फेरिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ जो किन्नौर का हेडक्वार्टर है रिकोंगपियो, वहाँ जा रही हूँ और आप सभी को भी मैं आज रिकोंगपियो लेकर जाऊँगी। फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ रिकोंगपियो देखोगे और साथ में ये आपको मैं बता दूँ कि जो रिकोंगपियो है वो अपनी खूबसूरती, अपने किन्नौर के मुख्यालय होने की वजह से भी प्रसिद्ध है और अपनी खूबसूरती की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस वक्त मैं टापरी में हूँ। टापरी को तो शायद हिमाचल या पूरे भारत का हर एक इंसान जानता है, जो किन्नौर आता है हो ही नहीं सकता कि वो टापरी ना आया हो। आप टापरी का अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में ज़रूर देखना, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो फ्रेंड्स जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज पीओ के लिए। काफ़ी मुझे लेट हो गया है, टापरी उतरने में ही काफ़ी वक्त लग चुका था। अब मैं आपको बताती हूँ, पीओ जाने के लिए आप बस से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो। अदरवाइज अभी देखो काफ़ी दिन कर्फ्यू था, सब कुछ बंद था, तो उस वक्त भी गाड़ियाँ चल रही थी, तो आप गाड़ी से जा सकते हो। अदरवाइज रेल और एरोप्लेन का यहाँ पे मतलब कि नहीं है फैसिलिटीज़। तो अभी मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ कि आज मैं कैसे यहाँ टापरी से रिकोंगपियो जाऊँगी और आप सभी को के साथ पूरा दिन शेयर करूँगी, और मैं क्या करने जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो भी सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगी आगे। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बस स्टॉप जो टापरी का है, वहीं से बस लूँगी और एक बार कंफर्म करती हूँ कि बसेस जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि अभी बसेस पहले जैसे मिल नहीं रही है प्रॉपर, काफ़ी टाइम के बाद, स्पेस के बाद मिल रही है। तो एक बार चलते हैं। देख सकते हैं मैं रिकोंगपियो बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ। ये ठीक मेरे पीछे एक हिसाब से न्यू बस स्टैंड बोल सकते हैं, ये है रिकोंगपियो का। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा ना हुलिया पूरा ख़राब हो चुका है, और आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की बारिश वाली। और अभी इस वक्त यहाँ रिकोंगपियो में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आपने पहले देखा कि टापरी में कितनी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है रीजनल हॉस्पिटल रिकोंगपियो में, एक बार मैं वो काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि लंच टाइम भी होने वाला है, उसका मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा पहले आप सभी को बस स्टैंड दिखा दूँ। एक्चुअल में जो ओल्ड बस स्टैंड है वो नीचे है, लेकिन वहाँ मैं नहीं उतरी थी। जो HRTC की जो बसेस है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, वो दोनों यहाँ आती है, और अगर आपने कहीं जाना है तो आपको टिकट वगैरह करवाना है। वैसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन आप इसी बस स्टैंड से करवा सकते हैं। कर्फ्यू के बाद का माहौल मैंने ऐसे देखा फ्रेंड्स कि ना इतने लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, बहुत कमशम ही लोग नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी काम से निकले हैं वही लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रीजनल हॉस्पिटल रिकोंगपियो और फटाफट अपना काम निपटाते हैं। ये देख सकते हो जो किन्नौर कांग्रेस है, उन्होंने यहाँ पे फूड बैंक स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम से, और ये बहुत अच्छा इनिशिएट है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि हेल्प कर रहे हैं लोगों की। देखिए यहाँ से ऊपर को गए क्योंकि लंच टाइम है, और मेरा काम मुझे लग नहीं रहा है होने वाला है, बिकॉज़ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अब फिर से ही ले आओ रिकॉर्ड। अब मैं जा तो रही हूँ ये क्या बोलते हैं ऊपर एमरजेंसी में, अब देखती हूँ वहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है कि नहीं। हॉस्पिटल के ने यही स्टेप पे होते, पहले तो ये बोले कि कोविड टेस्ट कराओ नहीं तो एंट्री नहीं है। तो मैंने बोला कि कोविड टेस्ट तो अभी पहले ही जो फैमिली मेम्बरों के हो रहे थे उस वक्त, फिर पापा का तो हो गया था, फिर जब वो नेगेटिव थे तो हम भी नेगेटिव ही होंगे ना। तो अब बोले कि ये लोग आपको रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमारा रिकॉर्ड हम हर किसी को नहीं दिखाते, अब SMO ऑफिस जाओ। मैं SMO ऑफिस जा रही हूँ फ्रेंड्स, अब पता नहीं वो मुझे एप्लीकेशन लिखने को बोलेंगे। मुझे एक्चुअली में मेरे पापा यहाँ पे एडमिट हुए थे ना जनवरी महीने में, उसका रिकॉर्ड चाहिए था, क्योंकि वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं उनके ऑफिस में, और मेडिकल बिल के मतलब बिल रुका हुआ है उनका उपचार। यहाँ पे तो हो चुका है लंच टाइम और है ही नहीं ऑफिस में कोई, तो मैं वेट कर रही हूँ। जब तक मैं यहाँ पे वेट करूँ, मुझे लगा कि मैं आप सभी को एक यहाँ की इस हॉस्पिटल से बहुत सारी मतलब कि यादें जिसको बोलते हैं वो जुड़ी हुई है। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल है और मैं बाहर जाना नहीं चाहती, मैं बाहर जाऊँगी फिर आऊँगी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं बैठ के वेट करूँगी। तो बहुत सारी यादें जो बोल रही ना जुड़ी हुई है यहाँ से। पहली याद तो ये है कि जो मेरी मतलब कि दी है अमीशा, वो इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, और उसके बाद जो मेरा है बर्थ वो भी यहीं होना था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ नहीं हुआ। मतलब मैं भी मतलब रिकोंगपियो में ही पैदा हुई हूँ, वो जगह भी आपको मैं कभी ज़रूर दिखाऊंगी, या टाइम मिला तो आज या कल दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ यहाँ की मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं काफ़ी बार मतलब एडमिट हुई हूँ, क्योंकि 5 साल एक लंबा समय रहता है जो मैंने मतलब इस जगह पे स्पेंड किया है। तो काफ़ी टाइम मतलब ऐसा था कि हेल्थ मतलब इश्यूज रहते थे, उस वजह से कभी मुझे मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पे एडमिट होना पड़ा है। बहुत बार मतलब इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ मैं,
और मेरे को याद है, मतलब जब से मैं यहाँ से निकली हूँ, मतलब कि रिकॉर्ड से 2018 मतलब 2018 के बाद से मैं आज तक, मतलब मैं कभी एडमिट नहीं हुई। लास्ट टाइम मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसके बाद मतलब 2018 के बाद मैं बीमार ऐसे हुई नहीं और मैं कभी एडमिट ही नहीं हुई। थोड़ा बहुत बीमार इंसान होता है, मतलब थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे एडमिट नहीं हुई इतनी खतरनाक तरीके से। लेकिन मैं जब यहाँ पीओ में थी, 5 साल में मैं इतने बार इस हॉस्पिटल के चक्कर काट चुकी हूँ, इतने बार मेरे को तो कमरे कमरे तक याद हो गए कौन से कमरे में मैं एडमिट होती थी। फिर कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी बहन के साथ। मेरे को याद है लास्ट टाइम अमीषा को टाइफाइड हुआ था, उस वक्त भी हम इसी हॉस्पिटल में थे। वो थी दिसंबर 2017 की बात, और उसके बाद से मैं कभी मतलब इस हॉस्पिटल में तो ऐसे एडमिट नहीं हुई। बस लास्ट टाइम मेरे साथ एक मतलब इंसिडेंट हो गया था 2017 के एंड के वक्त में। मैं चाखा गई थी, जो कल्पा का जो टॉप है वो ट्रैक किया था। उस वक्त जो वहाँ पे एक झील था, वहाँ पे मेरा पैर कट चुका था पूरी तरीके से। उस वक्त बस कुछ दिन मैं यहाँ हॉस्पिटल आया करती थी अपने, वो मतलब कि जो मेरे को टंके वगैरह लगे थे वो मतलब चेंज, मतलब कि उसमें पट्टी बदलने के लिए। तो यही कुछ एक स्टोरी थी यहाँ की, और इसलिए फिर यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती, लगता है जैसे कि मतलब काफ़ी मतलब लगाव जैसा, मतलब बोलते हैं ना किसी जगह से, वो जैसा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप उस पर कुछ सुना दूँ। चलो काम हो गया, काफ़ी थोड़ा टाइम लगा रिकॉर्ड ढूंढने में। देखिए काम हो चुका है मेरे को, मतलब कि वो जो डॉक्टर जिन्होंने मतलब रेफ़र कराया था उन्होंने लिख कर दिया है। अब मैं इसको लेकर के पापा के ऑफिस जाती हूँ, इसको सबमिट करवाती हूँ। और साथ में आज मैं आप सभी को पूरा रिकॉर्ड पे दिखा नहीं पाऊँगी और काम की वजह से, और एक दो काम और है मेरे वो निपटाने। लेकिन आपका जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें आपको मैं पूरा रिकॉर्ड पे दिखाऊँगी। पूरा रिकॉन्गपियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप सभी को। हॉस्पिटल के सीधे बाद मैं आ चुकी थी अपने पुराने स्कूल में, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने। यह है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकॉन्गपियो, जैसे नाम से आपको पता चल गया होगा ये प्रॉपर रिकॉन्गपियो में है। और मेरी प्लस वन और प्लस टू की पढ़ाई इसी स्कूल से हुई है। इस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, बहुत कुछ सीखा है मैंने इस स्कूल से। और मैं जब 10th में थी तो मैं काफ़ी सोचती थी कि मुझे नेक्स्ट इसी स्कूल में आके पढ़ाई करनी है, और मेरा एडमिशन भी स्कूल में हो गया था। तो इतनी यादें जुड़ी है। मैं जानती हूँ अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल में पढ़े होंगे, जो ये वीडियो देखेंगे, तो उनको भी ये कैंपस देख के बहुत खुशी होगी। कैंपस खाली था, मुझे लगा क्यों ना मैं भी थोड़े दिन यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँ और पुरानी यादें अपनी ताज़ा करूँ। ये जो आपको सामने स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे पता नहीं कितने दफ़ा भाषण और मॉर्निंग असेंबली करवाया, और लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और टीचरों से बहुत कुछ सीखा। और स्कूल की जो दीवारें ना, स्कूल की दीवारों में, वॉल में अभी तो पता नहीं कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे थे, तो उन थॉट्स को मैं हमेशा पढ़ती थी और उस पर मतलब कि चिंतन करती थी कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो स्कूल में से जैसे मैं आप सभी को बता रही हूँ बहुत कुछ सीखा है। तो बस अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आई हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। आज काफ़ी सालों बाद अपने ओल्ड स्कूल में हूँ। आप सभी को अभी तक मैंने बताया कि ये स्कूल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जगह है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ वहाँ पढ़ती थी, लेकिन वहाँ की भी यादें बहुत हैं लाइफ में। लेकिन वो वहाँ की यादें भी बहुत स्पेशल है, यादें तो हमेशा से स्पेशल ही होती है। इस स्कूल की भी यादें बहुत स्पेशल है, और मैं बोल रही हूँ अगर ये स्कूल इस टाइम चल रहा होता, यहाँ पर पूरा कैंपस लगा होता, तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो भी नहीं बना पाती और आप सभी से बातें भी नहीं कर पाती। तो ये बिल्कुल कैंपस खाली था और यहाँ पर काम चल रहा है, तो मुझे लगा मैं भी क्यों ना इसी बहाने फटाफट वीडियो बना लूँ और आप सभी से जो कुछ बातें हैं मेरे दिल में बहुत सालों से वो भी शेयर करूँ। यहाँ से जब मैं पढ़ाई मतलब जब मैं पहली बार आई थी, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी थी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 बच्चे ही होते थे पूरे स्कूल में। और यहाँ पे जब आई तो एक ही मतलब पूरे मतलब कि मतलब प्लस वन की क्लास में हम 100 तो मैं कम बोली से भी ज़्यादा बच्चे होते थे हम लोग, और फिर प्लस टू में फिर बच्चे बढ़ते रहते थे। तो मतलब ऊपर से जो 6 to 10 तक जो बच्चे हैं वो तो है ही है, और ऊपर से टीचर स्टाफ बहुत ज़्यादा, हम ऐसे मतलब कि पहले था कि मतलब कि 5-6 ही टीचर, मतलब यहाँ पे इतने सारे टीचर, तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब एक ऐसा मतलब टाइम था जहाँ पे मतलब कि 10th तक मैं ऐसी स्टूडेंट थी मतलब कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं टीचरों की रिस्पेक्ट नहीं करती थी या मतलब टीचरों की मेरी लाइफ में वैल्यू नहीं थी, वैल्यू थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम मैं ऐसी मेरा ऐसा था कि लड़ लेती थी मैं हर चीज़ के लिए, मतलब कि बच्चों के साथ लड़ाई तो बच्चों के साथ लड़ाई कर ली, या तो फिर टीचर ने कुछ गलत किया, टीचर को मुंह पे बोल दिया कि आप ऐसे हो। फिर इसी कारण एक मतलब ये कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी मेरी लाइफ की कि मतलब मेरे साथ जब मैं टेंथ में पढ़ती थी मेरे साथ क्या एक घटना घटी। उसके बाद मतलब प्लस वन में मेरी लाइफ ऐसी हो गई कि
मतलब काफ़ी चेंजेस आया उस घटना की वजह से। मैं स्कूल से भाग गई थी, वो मेरे पहले दूसरे मतलब जगह वाले स्कूल की कहानी है। तो वो मैं क्यों भागी थी, वो मैं जब उस स्कूल में जाऊंगी मैं आपको तभी सुनाऊंगी। लेकिन उसके बाद मतलब कि उस घटना ने मतलब कि मुझे ये मतलब कि ये मेरे को अंदर से हो गया था कि आप चाहे अंदर से जितने भी सही हो, लोग आपको सही नहीं बोलेंगे जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखा था। तो यहाँ आने के बाद एक मतलब डर भी था कि इतने नए बच्चे, इतना कुछ नया सब कुछ, और पहले का बिल्कुल बिहेवियर डिफरेंट था। और यहाँ का एक स्टोरी ये भी रहा, 2013 में जिस वक्त मैं स्कूल में आई, मैं लाइफ में पहली बार अपनी मम्मी पापा से अलग हुई, मतलब मम्मी से, मतलब मैं सो मतलब मुझे मम्मी के साथ ही रहना मैंने लाइफ में, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी से अलग हुई होगी। और ये ऐसा टाइम था कि जब मेरे को मम्मी से भी अलग होना पड़ा था, मतलब पढ़ाई का एक ऐसा समय आ गया था प्लस वन में कि मुझे अपनी मम्मी से भी मतलब अलग होकर यहाँ आना पड़ा था। एक तो क्या हो गया, उस टाइम पहली बार लाइफ में मैं मम्मी से अलग हो गई थी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हो गया था कि एक तो वो मेरे अंदर चलता रहता था कि माँ माँ, मतलब मम्मी को याद करती थी मैं हमेशा, रात में भी दिन में भी, वो चीज़ें था। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी स्कूल में मतलब मिली, बड़ा स्कूल था उस कारण यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब स्कूल है और बिल्कुल हेडक्वार्टर में ये स्कूल है, और ऊपर से इसकी जो अचीवमेंट्स है स्कूल की बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इस स्कूल से निकले हैं, और बहुत ही मतलब कि स्कूल का मतलब और किन्नौर में मैं बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ये रिकॉम्पे स्कूल है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, जो चीज़ें मेरे अंदर थी मतलब यहाँ पर सीखने मिला। सबसे तो मुझे इतना कुछ स्कूल में मतलब सीखने को मिला है, डिसिप्लिन चाहे लाइफ में ना फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में ना डिसिप्लिन था, लेकिन कुछ थोड़ा मतलब मन मर्जी वाला डिसिप्लिन था कि मुझे मन करेगा तो मैं तब करूँगी। लेकिन इस स्कूल में आने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, जब तक हम लाइफ में डिसिप्लिन में हम लाइफ में मतलब डिसिप्लिन जब तक हमारी लाइफ में नहीं है ना, तब तक हम लाइफ में ना मतलब कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन हम सक्सेस नहीं। दूसरा, टीचरों के रिस्पेक्ट, मैंने ये लाइफ में सीखा कि टीचरों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर जो हमारे लिए बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो मतलब टीचर हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, ये चीज़ तो हमें पहले समझना है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर सही हो, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी कि ज़रूरी है हर टीचर सही हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर स्टूडेंट गलत हो। वो मतलब कि सरकम चांसेस ऐसे बनते हैं जिस कारण कि मतलब कि वैसे तो हमारे भारत में तो गुरु को ही सब कुछ माना जाता है, लेकिन कई बार जो टीचर होते हैं वो भी गलत होते हैं। लेकिन ऐसा है ना, अगर हम उनको बार बार बोलते रहेंगे तुम आप गलत हो आप गलत हो, तो वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ स्कूल में आने के बाद मुझे डिसिप्लिन सीखने को मिला, मैनेजमेंट सीखने को मिला, और काफ़ी टाइम लाइब्रेरी में जो स्पेंड किया उस वक्त जो चीज़ें सीखने को मिला। और यही 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 वो स्कूल है जहाँ से मुझे स्पिरिचुअल की तरफ मेरे लाइफ में जो मेरा लगाव बढ़ा, यही स्कूल में आने के बाद ही। जैसे मैं प्लस वन से टू में चली गई, तो इसी दौरान मेरे को स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट आ गया। मैं मतलब कि बुक्स पढ़ने लग गई, चाहे वो बौद्धिज़्म, मैं बहुत बौद्धिज़्म से प्रभावित होने लगी, हिंदुज़्म, मतलब बुक्स पढ़ती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो यही यहाँ से ही मेरा मतलब इंटरेस्ट लाइफ में स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ा। और यही नेक्स्ट जर्नी थी मेरी, जैसे मेरा प्लस टू यहाँ से हो गया, वैसे ही मुझे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी, और मुझे उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला। वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ मतलब सीखा और सीख भी रही हूँ, अभी भी उस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। तो यही होता है लाइफ में, हम सोचते ही नहीं थे, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं जैसा मेरा पर्सनैलिटी था मतलब कि वैसे उस हिसाब से मैंने कभी खुद ने भी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा मतलब नेक्स्ट में ऐसा भी होगा। और आपको मैं मतलब अपना जो कॉलेज है, मेरे कॉलेज भी इसी रिकॉम्पे से हुआ है, तो मैं आपको अपने मैं आप सभी को अभी मैं नीचे काम से तो जा ही रही हूँ, तो मैं आपको कॉलेज भी दिखाऊँगी अपना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, अब यहाँ से चलती हूँ मैं, और अच्छा लगा, काफ़ी देर बैठी हूँ मैं यहाँ पर, तो अब मौसम भी ख़राब हो रहा है जैसे कि, और मेरे ठीक सामने किन्नर कैलाश है, इसको दिखाती हूँ एक बार मैं। ये देखिए, ये जो बादल से ढका हुआ जितना भी आपको जगह दिख रहा है, ये किन्नर कैलाश का है, बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से बिल्कुल ढक चुका है एकदम बादल से। तभी आज के टाइम पे अगर किन्नर कैलाश में अगर आपने यात्रा करनी है, तो मतलब कि ऊपर कोविड भी चला हुआ है, ऊपर से रिस्क भी बहुत है ऐसे, मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसे टाइम में तो पहाड़ों में चढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मतलब कि लाइफ ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या ट्रैकिंग करेंगे आप, क्या इन्जॉय करेंगे। तो इसलिए देख सकते हो आप वहाँ पर, तो मुझे लग रहा है तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट होने वाली, इसलिए मैं यहाँ से फटाफट निकलती हूँ।